मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले कि हम ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, नासल कैविटी से, यानी नासल कैविटी से हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सबसे पहले ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ से होते हुए फायरनेक्स इपिग्लोटिस से होते हुए, फिर लैरनेक्स नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा वहाँ से होते हुए। लैरनेक्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स, इसको एडम एप्पल भी बोल देते हैं। और इसमें से जो हमारी साउंड आती है, जो हम बोल रहे हैं, उसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो ये एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि आपके वोकल कॉर्ड्स के लिए, आपकी साउंड के लिए क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और वो होता है आपका लैरनेक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी बोल देते हैं, एडम एप्पल भी बोल देते हैं। एडम एप्पल इसको इसलिए बोल देते हैं, कई बार कई लोगों का जो गले का हिस्सा होता है काफ़ी बाहर हो जाता है, तो इस वजह से इसको कई बार एडम एप्पल भी बोल देते हैं। और ये जनरली पुबर्टी जब होती है, जब टीनेज होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी ग्रो करता है, कई लोगों में ज़्यादा ग्रो कर जाता है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसको कई बार बैरीटोन भी बोल देते हैं, यानी काफ़ी हाई साउंड हो जाते हैं कई लोगों के, बड़े बड़े काफ़ी बड़े जो हैं लैरनिक्स के साइज़ होने की वजह से। और इसको हम बोलते हैं एडम एप्पल। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि लैरनेक्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, एडम एप्पल। और इससे हमें क्या मिलता है, वोकल कॉर्ड्स, यानी हम जो साउंड बोलते हैं उन्हें बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। फिर उसके बाद ये जाता है ट्रैकिया। अच्छा, ट्रैकिया का क्या फंक्शन होता है, जो हमारा विंड पाइप होता है वो अंदर से पिचक ना जाए, यानी जो विंड पाइप है अंदर से कहीं पे उस पर बैंड ना हो जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, ट्रैकिया उसको यहाँ पर एक लाइनिंग बन जाती है, आउटर लाइनिंग, यानी एक लेयर बन जाती है। जैसे ये पाइप है तो इसके चार तरफ क्या होगी, लेयर बन जाएगी कार्टिलेज की। तो ट्रैकिया क्या है, एक तरह का कार्टिलेज है, ट्रैकिया क्या है, एक तरह का लेयर बन जाएगी जो चार तरफ इसके। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द विंड पाइप। तो आपसे पूछेंगे ट्रेकिया का क्या फंक्शन है, तो ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द विंड पाइप, जो विंड पाइप को जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है वो करता है ट्रेकिया। नेक्स्ट, फिर उसके बाद जो हमारे ऑक्सीजन एंटर करती है, तो ये जब डिवीजन होता है इस विंड पाइप का, तो उसे हम बोल देते हैं ब्रोंकाई। तो एक ब्रोंकाई इस तरफ चला जाता है और एक इस तरफ चला जाता है, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे जाता है फर्दर ब्रोंकाइज में डिवाइड होते हुए, लास्ट में पहुँचता है एवियोली। एवियोली जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये एवियोली काफ़ी, इस एवियोली को इस हम बोलते हैं एयर सैस, मतलब इसमें ट्यूब्स होलो स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें एक परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसमें क्या होता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो एवियोली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक लेयर बन जाती है, तो लेयर के ऊपर जैसे ऑक्सीजन आता है, तो ये जो लेयर वाला इंटरफेस है ये एवियोली प्रोवाइड करता है ये वाला। और ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो एवियोली के यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, स्मॉल ब्लड वेसल्स। तो ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में जो हमारा ऑक्सीजन जाएगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एवियोली। तो लास्ट में फाइनल जहाँ पर एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज, जहाँ पर जो हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, वो हमारे लंग्स का पार्ट होता है एवियोली। तो एवियोली इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग, यानी लंग्स की जो सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है, वो होते हैं एवियोली। अब इसमें क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है कनेक्टेड विद ब्लड वेसल्स, तो इसके अंदर ब्लड वेसल भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। अब क्या होता है, इसी सरफेस से, जो एवियोली का जो सरफेस होता है, इसी सरफेस से CO2 भी बाहर निकलती है, यानी CO2 जो बाहर निकल, इसमें क्या होता है कि जब O2 अंदर गई और CO2 बाहर निकली, तो सिमिलर केस जो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जैसे ऑक्सीजन हमारे पास अंदर जा रही है, तो सिमिलर केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी, जैसे ऑक्सीजन अंदर गई तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आएगी। अब इसमें जो एक्सचेंज होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी में, वो डिफ्यूजन से होता है। तो डिफ्यूजन से, अगर ये नॉर्मल डिफ्यूजन से होने लगे, टेक्स ऑफ ईयर, यानी हमें सालों लग जाएंगे कि एक ऑक्सीजन को हमारी जो ब्लड वेसल होती है, यानी इस ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल में एंटर करने में
इट टेक्स ईयर्स थ्रू द डिफ्यूजन। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन से देखें, डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो बाहर का ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल में अंदर की तरफ डिफ्यूज करेगा। सिमिलर केस में अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो रखी है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन CO2 कम है, तो CO2 बाहर की तरफ डिफ्यूज करेगा। तो ये हो गया सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। अगर सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर हम चलने लगते हैं कि टेक्स ईयर, मतलब सालों साल लग जाएंगे हमारे को गैसेस एक्सचेंज करने में, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी ने फिर एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा और वो क्या था, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में आयरन होता है, तो हेमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो रेड ब्लड कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होता है। तो हेमोग्लोबिन की सबसे अच्छी बात यह होती है, इट हैज एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन की तरफ भागता है, यानी ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स में हेमोग्लोबिन है, तो अगर हेमोग्लोबिन है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन काफी फास्ट हो जाता है, तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाए हेमोग्लोबिन की वजह से। तो इस वजह से अगर हमारे पास हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन होगी, हमारी बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी और हमें चक्कर आने लगते हैं। तो इस वजह से हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन का होना बहुत ज़रूरी है, और यही है जो कि ऑक्सीजन को फास्ट रेट से डिफ्यूज़ करता है एवियोली लेयर्स में, यानी ये जो लेयर्स होती है इस लेयर में फास्ट जो डिफ्यूज़न होगा वो हमारे हेमोग्लोबिन की वजह से होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने में बहुत ही इफ़िशेंट होती है। सिमिलर केस अगर हमारे पास CO2 होती है जो ब्लड में, तो CO2 को जो बाहर निकलती है वो भी एवियोली की इस लेयर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो जो गैसियस इंटरफेस होता है, गैसियस एक्सचेंज जो प्रोवाइड करता है वो करता है एवियोली, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि हमने, हमारे पास एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एपिग्लोटिसिस। एपिग्लोटिसिस वो जगह है जहाँ पर हमारा विंड पाइप और फूड पाइप अलग होता है। ये हमारा फूड पाइप है और ये हमारा विंड पाइप है, तो यहां पर ये हमारा एपिग्लोटिसिस है। तो ये एपिग्लोटिस है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, जैसे कि हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, तो ये क्या करता है, अपने आप को आगे कर लेता है। तो हमारा फूड कहाँ चला जाएगा, जब ये चीज़ आगे हो जाएगी तो फूड हमारा पीछे की तरफ से हमारे स्टोमक में चला जाएगा। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, कंप्रेस हो जाता है, यानी इस चीज़ को अपनी तरफ, इस तरफ ये इस तरफ मूव कर जाता है। जब इस तरफ मूव कर जाता है तो ये हमारी एयर होती है ये फूड पाइप में न जाके कहाँ पर आ जाती है, इस तरफ को, तो ये मूव करता है एक, कई बार इस तरफ को, कई बार इस तरफ को। अगर एपिग्लोटिसिस में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो हमारा जैसे हम कई बार लेट के खाना खाते हैं या लेट के कोई चीज़ पी रहे होते हैं, तो एपिग्लोटिसिस की मूवमेंट जो होती है वो इफेक्ट हो जाती है, यानी पानी इधर जाने के बजाय, फूड पाइप में जाने के बजाय वो हमारे लंग्स में चला जाता है, और उस वजह से हमारे को खांसी भी हो सकती है। तो इस वजह से एपिग्लोटिसिस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, किसमें, हमारे जो डिवीज़न होगी फूड मटेरियल की और एयर की जो डिवीज़न होती है वो एपिग्लोटिसिस करता है। तो एपिग्लोटिसिस का फंक्शन क्या है, डिवीज़न ऑफ द एयर पाइप एंड द फूड पाइप। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास रेसिड्यूअल वॉल्यूम की बात की करते हैं। तो हेमोग्लोबिन हो चुका हमारा, तो अब रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या होता है कि कुछ ना कुछ, जब ये पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और पीरियोडिक रिलैक्सेशन होती है, पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये लंग्स अंदर की तरफ सिकुड़ते हैं और
पीरियोडिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब ये बाहर की तरफ लंग्स आते हैं तो ये चीजें होती रहती है, पीरियोडिक कॉन्ट्रेक्शन, पीरियोडिक एक्सपेंशन। तो क्या जब हम पीरियोडिक कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, यानी ये चीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी इसका साइज जब रिड्यूस होगा, तो क्या इसमें से सारी चीजें निकल जाएंगी, सारा ऑक्सीजन निकल जाएगा, सारी एयर निकल जाएगी? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो अपने पास रिटेन कर लेता है, कौन? जो कुछ ना कुछ एयर वॉल्यूम अपने पास रिटेन कर लेता है, कौन? एवियोली। तो उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एयर जो हमारे लंग रिटेन करता है, यानी सारा वॉल्यूम जो होता है एयर का एक साथ बाहर नहीं निकालता है, तो उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रिटेन बाय लंग्स, यानी जो एयर का वॉल्यूम है, यानी एयर वॉल्यूम रिटेन बाय लंग्स, यानी कुछ ना कुछ जो वॉल्यूम है जो लंग्स अपने पास रख लेता है जब वो पीरियडिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा होता है, एक्सपेंशन कर रहा होता है, तो कुछ ना कुछ जो वॉल्यूम होता है गैस का, एक्सचेंज का, वो अपने पास रख लेता है, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अब थर्ड पॉइंट था इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम बात कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, एवियोली के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो इसके साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश होता है।